संबल में तेंदुए के हमले में संबल सीओ अनुज चौधरी घायल हो गए। वह हयात नगर थाना क्षेत्र के रसूलपुर धतरा में गांव में तेंदुआ होने की सूचना पर पहुंचे थे। गांव के एक मकान में तेंदुआ घुस गया था। तेंदुए को देखकर घर के लोग दहशत में आ गए थे। सूचना जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। घर के लोग जान बचाने को एक कमरे में बंद हो गए। चीख पुकार होने पर ग्रामीण मकान की ओर दौड़े। उन्होंने मकान का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। कई गांव के लोगों की भीड़ रसूलपुर धतरा गांव में इकट्ठा हो गई। संबल में ग्रामीणों ने हयात नगर पुलिस को खबर दी तो थाना पुलिस के साथ सीओ सदर संबल अनुज कुमार चौधरी भी रसूलपुर धतरा पहुंच गए। पुलिस ने वन विभाग के अधिकारियों को घर में तेंदुए के घुस जाने की जानकारी दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो पुलिस व वन विभाग के अधिकारियों ने तेंदुए को पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया। तेंदुए ने काफी देर तक पुलिस व वन विभाग की टीम को थकाया। तेंदुए की वजह से गांव में दहशत का माहौल बना रहा। बाद में तेंदुए को जाल में फांस लिया गया। जाल में फंसने के बाद भी सभी लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं अनुज चौधरी के साहसिक कार्य की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। चौधरी भी हुए, क्या है पूरा मामला? आज सुबह ये गांव में घुस गया था। गाँव ग्रामवासियों ने सूचना की, थाने पर इंस्पेक्टर हयात नगर को पता चला तो वो मौके पर पहुँचे। मौके पर पहुँचने के बाद उन्होंने बताया कि भाई यहाँ इस तरह का वो है, तेंदुआ अंदर घुसा हुआ है और एक परिवार, इस परिवार के जो बच्चे हैं वो एक कमरे में बंद। तो इस करके फिर इनको फॉरेस्ट विभाग वालों को भी सूचना दी गई, उनकी टीम भी आई और हम भी आ गए मौके पर। तो हमारी टीम ने, इंस्पेक्टर हयात नगर ने, मेरे हमराहों ने और मेरे साथ दरोगा जो थे उन सब ने, इनके तीन चार लोग इनके थे, बाकी सात आठ लोग हमारे थे, तो उसको जाल की मदद से उसको कंट्रोल किया। तो बड़ा मजबूत था और उसे कंट्रोल करते वक्त तो उसने हमला भी कर दिया, मतलब पैर पकड़ लिया था, इसमें क्या मुझे दांत लगा, बाकी उसको अब फिलहाल भिजवा दिया गया।